है कि इफ एनी बडी ऑफ यू वॉन्ट्स टू स्टडी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, कुछ भी पढ़ना है, 11th 12th 9th 10th भी चलेगा चलेगा, कोई भी स्टूडेंट, तो मैं एक दो स्टूडेंट को सोच रहा हूँ पढ़ा दें, तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ये तस्वीर अभी दिखाना जरूरी हो क्या है? यहाँ पे जो आप चक्र देख रहे हैं वो मैंने प्रॉमिस किया था, अभी मुझे याद आया कि मैं त्रिकुटी वाले पहाड़ के बाद जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें मैं जाऊंगा नौलखा वाला मंदिर, लेकिन आज जाके वहाँ पे विजिट करके व्लॉग कर लेते हैं, लेकिन वो एडिट करके पोस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। परसों बोला था कि कल मैं जाऊंगा त्रिकुटी पहाड़, वहाँ पे गया था क्योंकि बोला था, उसके बाद ये भी बोला था परसों की कि अगले दिन जा त्रिकुटी के अगले दिन मैं आऊंगा नौलखा, वहाँ जाके ब्लॉग बना दूंगा, आप लोगों को दिखा दूंगा। तो हियर वी आर, नौलखा में आ गए। '32 में ये बनी थी, अंदर कैमरा वैमरा यूज़ करना सख्त मना है, ये तो अंदर से कुछ छूट वूट गया, कुछ नहीं किया, बस इंफ्रास्ट्रक्चर देखा। और मंदिर को कभी इंफ्रास्ट्रक्चर से जज नहीं करना चाहिए, इन्होंने बनवाया था महारानी चारुशीला बनवाया था, लड्डू गोपाल जी का मंदिर है, 1932 में, तभी 9 लाख रुपये लगे थे, समझ जाओ आज के डेट में कितना लगा। तो सच में बहुत ही सुंदर है, और इधर तो ये तो आश्रम है तो बंद ही है, आनंद आश्रम उधर भी बंद ही, आरती भी रात शाम में होती थी, वहाँ भी नहीं कर सकते। वो गुंबद सच में बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है दादा, सब बढ़िया? खूब बढ़िया, थैंक यू। आप क्या देवगिरी में रहते? नहीं, तो अच्छा गाड़ी से आए बाहर? हाँ, तो अच्छा अच्छा ठीक, हाँ साइट सीन भी दिखाएंगे। अच्छा तो तुरु पहाड़ उंदे छे ने सारमा तरफ? सारमा गेल है तो त्रि पहाड़ जे को क्रॉस पूछबो ने। हां चलिए, अच्छा ठीक है, थैंक यू थैंक यू। एक्चुअली सब को बोल रहे थे तू तुरु पहाड़ कुछ ऐसे करके सारवा की तरफ वहां पे भी जाना, मैं सोच रहा हूं कि अब उधर उधर जाना हुआ तो कभी पक्का जाएंगे, क्योंकि पहाड़ बोला गया तो माउंटेन तो जानते हो कैसा लवर है माउंटेन वाला, तो जरूर जाएंगे। तो आखिरी बार टेम्पल विजिट करना चाहिए डिविनिटी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं करना चाहिए। मैं आया था क्योंकि मैंने बोल दिया था कि मैं आके व्लॉग करूंगा, तो इसीलिए करना पड़ा, क्योंकि जो बोला है तो करना पड़ेगा। आज का दिन तो मतलब जो बीता है, कल भी स्वामी जी से मिलने को मिलेगा तो बस एक नंबर, अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है। श्रेयस आया है लेकिन वो बाहर में खेल रहा है, उसको बात करने का हिम्मत नहीं हो रहा, बेचारा कैसे बात करेगा, उसको किसी तरह फुसला के बात करेंगे शायद बात कर ले, बेचारा करेगी भी कैसे, डर लगता है ना, डर बहुत है। एक बार वो गुस्सा गया, मैं एक बार गुस्सा गया था तो उसको मामा घर से कंधे पे उठा के एक शोल्डर पे ऐसे लेके आ गया था, तभी वो हल्का था, अभी भी हल्का ही है पर डरता बहुत है, रास्ते वो खेलता होगा, जहाँ में तो चला ही जाएगा। आज जो मजा आया है ना, बड़ा दिन बाद ये जब काला वाला कुर्ता जब जब पहनता हूँ दिन अच्छा ही जाता है, एवरी सिंगल टाइम। 4 साल बाद पहना था ये, चिल्लो चिल्ला रहा है यामाहा है यामाहा, नहीं केटीएम है केटीएम, नहीं नहीं ये ऑरेंज व्हील्स जो है ना बाइक का देख के सबको कंफ्यूज हो जाता है, कितना ब्रेकर है यहाँ पे, हर 10 सेकंड में ब्रेकर। मैं सोच रहा था दीदी घर जाने का, फिर सोचा कि श्रेयस आया है पर भी घर में ही रहना सही रहेगा। अरे बाप रे, मुझे लगा फिर से रानी मौसी तो नहीं, फिर से मिठाई नहीं तो खाना पड़ेगा। ये एप्पल वॉच का केस है जो मुझे मिला है, ये प्रोटेक्ट कर देगा अपने ग्लास ग्लास को, सब कुछ साइड में भी प्रोटेक्शन दी हुई है, इस द नायलॉन स्ट्रैप बैंड, देखते हैं कितना दिन चल सकता है। बाय द वे मैंने भूकल ब्लॉग में बताया होगा, शायद 2 दिन पहले शायद ब्लॉग में बताया था कि पिताजी चले गए थे पटना, तो मैं रात में यहीं पे सोता था मम्मी के साथ, मजे से आराम से सो जाओ, यहाँ पे सोने में एकदम अलग सा नशा है, आप सो जाओ तो फिर
सब काम वाम वर्कआउट वर्कआउट सब भाड़ में अच्छी टाइट कड़क नींद। रात को इसी तरह मैं यहाँ पे सोया, बज गए 2, अचानक दरवाजे पे दस्तक। गेस हू, जी हाँ, पिताजी इज बैक। मैं ये नहीं सोच रहा कि अरे आप आ गए, मैं सोच रहा हूँ बस 2 दिन के लिए गए थे। ऊपर वाला भी सोचता है यार भाई यार खैर पिताजी यहाँ पे आ गए। फिर किसी तरह रात में मैं यहीं पे सो गया। मैं नहीं जा सकता, मम्मी को साइड किया, कॉर्नर में जितना सा स्पेस मिला बस वहीं पे सो। तो आराम इसलिए क्योंकि बाइक जब चलाई तो ठंड जो कानों में गई है उसे सर में दर्द हुआ है। देवघर में थोड़ी सी बढ़ गई है ठंड के कारण सर में दर्द हुआ है, या बाइक चला से हवा लग गया कान में, कुछ ऐसा हुआ, लेकिन ठंड लगी। तो अब से जब जाऊंगा तो मेक श्योर करूंगा कि कुछ कान पहन के जाऊं। सोचा कि आज कहीं जाते हैं, फिर सोचा कि वीडियो लंबा करने से अच्छा है इम्पोर्टेंट सिंपल बता देते हैं कि क्या क्या हो रहा है। और एक इम्पोर्टेंट चीज बहुत ज्यादा है कि अभी मैकबुक लेने के लिए बहुत ज्यादा चल रही है अभी इंतजाम। मैंने एक इंतजाम सोचा कि इफ एनी बडी ऑफ यू वॉन्ट्स टू स्टडी मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री लिटरेचर कुछ भी पढ़ना है 11th 12th 9th 10th भी चलेगा कोई भी स्टूडेंट, तो मैं 1-2 स्टूडेंट को सोच रहा हूँ पढ़ा दूँ। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, फोन नंबर में दे दूंगा, बात बात कर लेंगे। कि अभी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, मैकबुक नहीं आएगा तो फिर नींद फिर रोक नहीं पाऊंगा। ठंड में ज्यादा प्रोडक्टिव होना पड़ता है। पर 30 से पहले मैं चाहता हूँ मैकबुक ले लूँ अपना, 17th February को है तो उस हिसाब से मैकबुक डिसाइड कर लिया कौन सा लेना है। कुछ ही टाइम बस और पढ़ाने वाला हूँ, उसके बाद पढ़ाई लिखाई सबका बंद। तो याद करके सबको बता ही देना कि ऐसे पढ़ाना स्टार्ट हो गया है, कि अभी कुछ टाइम ब्लॉग थोड़ा सा कम कर लूंगा, ज्यादा पढ़ा दूंगा। ये तस्वीर अभी दिखाना जरूरी हो गया है क्योंकि ये बात छिड़ गई थी गुरु की परंपरा की और योगियों की। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसमें खास बात तो ये है कि ये पिताजी के गुरु जी है, और यहाँ पे जो आप चक्र देख रहे हैं वो रियल है, फोटोशॉप अडोबी प्रीमियर से तो तभी कुछ हो जाने थे। कितने साल पुरानी है पता नहीं, पर कम से कम 50-60 साल तो पक्का होगी। तो किसी ने देखा था वहां पे से वो कर रहे थे तपस्या। तो ये काली माँ का मूर्ति है, ये मुंगेर की तस्वीर है। जबकि बहुत से बार मैं ब्लॉग करता हूँ पीछे में दिखता है तो कभी नहीं बताया क्योंकि कभी कभी मौका नहीं मिला, पर क्योंकि अभी स्वामी जी साहब को मिला है तो ठीक है, तो आज के ब्लॉग में ऐसा बता सकते हैं। देखा था तो वो कितना 1000 की कितना कॉपीज बनवा के सबको शेयर किया था। कोई बात नहीं, आज भाई इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और बाय द वे स्वामी जी से मिलने फिर वापस नहीं गया था, आज यहीं पे बस आराम किया था। रात में जो इंटरप्शन वैसा हुई उसके कारण नींद नहीं पूरी हुई थी। आई होप कि कल जो मैंने फुटेज लिया था 9 लाख का उसमें अच्छा लगा होगा। 1932 में 9 लाख था तो अभी मैं सोच रहा हूँ इन्फ्लेशन रेट बढ़ा के कितना होना चाहिए। जिसको आइडिया हो बताना कि कितना टोटल प्राइस अभी तक का उसका दाम कितना होता, 70 गुना बढ़ जाता है। कुछ कोई कोई उसी से बोल रहे हैं कि 6 करोड़ का हो जाता, पता नहीं कुछ कैसे ऐसा बोल रहे हैं, बट ठीक है टाइटल में 6 करोड़ दे देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू गुड लाइक शेयर सब्सक्राइब, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।